हम बात कर रहे हैं गोल्डेम इंटरनेशनल की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक में जो है हमको 1% तक की गिरावट के साथ स्टॉक ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 160.80 रुपीज़ पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। गिरावट आई थी, स्टॉक ने 158 के सपोर्ट से एक जंप दिखाया था, अगेन गिरावट आई तो इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, इसी सपोर्ट से बाउंस बैक करके अपना हाई ब्रेकआउट किया था। लेकिन इस बाउंस बैक के साथ इम्पॉर्टेंट था 170 के लेवल को ब्रेकआउट करना, इस हाई को ब्रेकआउट करना जहां से गिरावट आई थी। स्टॉक ने उसी के आसपास से रिजेक्शन दिया, लो और लो चार्ट पैटर्न के साथ हमको गिरावट दिखा रहा है। इस वक्त जहां स्टॉक ट्रेड कर रहा है 158-160 का जो लेवल है इसका इमीडिएट सपोर्ट है और तगड़ा सपोर्ट है। इसी सपोर्ट से हमने दो दफ़ा इससे पहले भी सपोर्ट लेके बाउंस बैक देखा है। तो 150 का जो सपोर्ट है इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है गोल्डेम के लिए, नीचे की ओर ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो वैसी कंडीशन में फिर 154 और 150 तक का भी फिर फॉल स्टॉक दिखा सकता है। स्टॉक ने 160 के सपोर्ट से बाउंस बैक किया है, 160 के सपोर्ट से अगर इस बाउंस बैक के साथ स्टॉक में रिकवरी देखने के लिए मिलती है, स्टॉक बाउंस बैक दिखा के ये जो इसका लेवल है 162.50 का लेवल इसको ब्रेकआउट कर जाता है तो वैसे कंडीशन में फिर लगातार तेज़ी दिखा सकता है और अपने इस हाई को भी ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। क्यों इस हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आएगा? क्योंकि हम देख सकते हैं इससे पहले स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 160 के आसपास, गिरावट आई है तो सेम सपोर्ट से बाउंस बैक होता है स्टॉक, तो वैसी कंडीशन में फिर इस हाई के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। नेक्स्ट टारगेट 164 और इस बाउंस बैक के साथ 170 का लेवल स्टॉक दिखा सकता है जो इसका रेजिस्टेंस है, जहां से इससे पहले गिरावट दिखाई हुई तो इस लेवल का भी ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। 170 का ब्रेकआउट करके 174 और 180 तक का जंप फिर गोल्डेम दिखा सकता है। गोल्डेम में आप खेल पलटने के चांस बनते नज़र आ रहे हैं। अगर 160 के लेवल से ब्रेकआउट बाउंस बैक कर जाता है तो वैसी कंडीशन में फिर 180 तक का जंप स्टॉक हमको दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।